नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक क्लिक में देखिए आपका 64 KB ECHS कार्ड कहाँ है, कैसे है और कब मिलेगा। दोस्तों, प्रतिदिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ECHS कार्ड को लेकर। जैसे 5 महीने हो गए, अभी तक ना कोई जवाब आया ना OTP, कार्ड में कुछ गलतियां हो गई तो उनका करेक्शन कैसे कराएं, कार्ड बनने के बाद टेम्परेरी स्लिप आ गई है, अब कार्ड कैसे मिलेगा, आगे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में बताता हूं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा ताकि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये ECHS की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर जाएंगे, आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन के इस ऑप्शन में आएंगे तो ये मेनू खुल के आएगा। इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने ये पेज खुलकर आया। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है आप इसको ओके कर दीजिए। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अपने कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, वो यहाँ पर लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पर, मैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है फिलहाल मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनको OTP नहीं मिला है या OTP मिल गया है कार्ड नहीं मिला है, या किसी के कार्ड में कोई गलती होगी वो करेक्शन करना चाहते हैं, या अपने कार्ड का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर लॉग इन करें। और यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है और मोबाइल नंबर आप यहां पर लिखें, उसके बाद इस कॉलम में आप अपना पासवर्ड डालें, वेरिफिकेशन कोड यहां पर फिलअप करें दोस्तों। जैसे ही आप ये फिलअप कर देंगे उसके बाद आप यहां पर आइए दोस्तों और लॉगिन कर लीजिए। तो दोस्तों ये पेज खुलकर आपके सामने आएगा, यहाँ पर फिर से ये इंस्ट्रक्शन है, आप इनको ओके कर दीजिए। तो दोस्तों जिस बंदे ने लॉगिन किया उसका स्टेटस आपके सामने आ गया कि कब उसने अपना ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भेजा, कब उसका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हुआ, कब उसने पेमेंट सबमिट किया, कब उसका पेमेंट सक्सेस रिसीव हुआ, रिकॉर्ड ऑफिस पे कब उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसमें। इस बंदे का तो पूरा डिटेल यहाँ पर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सपोज किसी बंदे का कोई भी डिटेल नहीं है तो वो किस तरीके से अपनी जानकारी हासिल करेगा। मान लीजिए उसने पेमेंट कर दिया, अब पेमेंट का पता नहीं चला, तो आप यहाँ पेमेंट रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलग से आपकी पेमेंट रिसीप्ट PDF फॉर्म में डाउनलोड होके आ जाएगी। अब ये देखिए पेमेंट स्लिप आपके सामने आ गई, ECHS रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है, बेनिफिशियरी का नाम इस कॉलम में होगा और कितने पैसे आपने सबमिट किए, ये आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। अगर किसी को टेम्परेरी स्लिप जनरेट करनी है तो वो इस कॉलम पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये आगे ऑनलाइन जनरेटेड टेम्परेरी स्लिप, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये सारे बेनिफिशरीज के फोटोग्राफ। और अगर किसी बंदे को अपना एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना है जो भर दिया है, किस तरह से भरा गया है, तो वो यहाँ पर क्लिक करें। ये आ गया आपका एप्लीकेशन, आप ये अपना पूरा एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी फील्ड भरा है वो सही है या गलत है, अगर कुछ करेक्शन है तो वो कर सकते हैं। जब आपने एप्लीकेशन भरा है और उसमें अगर कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ एडिट ऑप्शन पर जाएंगे। दोस्तों जब तक आपका एप्लीकेशन पेमेंट होके कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ आप उसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, पेमेंट हो गया और आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए चला गया तो फिर आप एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब रिकॉर्ड ऑफिस में आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए जाता है और वहां पर कोई क्वायरी आती है तो आपके लिए एडिट का ऑप्शन खुलेगा, उस क्वायरी को रेक्टिफाई करके आपको फिर से सबमिट करना होगा। देखिए दोस्तों ये जिस बंदे का स्टेटस है उसका वेरिफिकेशन भी हो गया, कार्ड प्रिंट भी हो गए, कार्ड टेस्टेड एंड रेडी टू डिस्पैच है और कार्ड डिस्पैच भी हो गए सोर्स से और रीजनल सेंटर पर भी रिसीव हुए हैं, उसके बाद स्टेशन हेडक्वार्टर को डिस्पैच हो चुके हैं। अब ये बंदा कलेक्ट करेगा स्टेशन हेडक्वार्टर से SMS जब मिल जाएगा कलेक्शन का OTP और डॉक्यूमेंट के साथ में। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसीजर, कैसे आप अपना पेमेंट चेक करें, कैसे टेम्परेरी स्लिप जनरेट करें,
कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें, अगर कुछ एडिट करना है पेमेंट से पहले तो उसमें एडिट कैसे करें, और अगर आपका कोई वेरिफिकेशन में कोई गलती आती है तो जब ये एडिट का ऑप्शन खुलेगा तो उसको रेक्टिफाई करके रीसबमिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।